ऑल राइट, सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, से ज़्यादा मतलब यू डूइंग लॉट ऑफ ग्रेट जॉब एंड बहुत सारे काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है अभी भी थिएटर में चल रहा है। तो सबसे पहले बताइए कि क्या फील करते हैं जब आपकी फिल्में थिएटर में चले हैं, लोग बहुत ही सुपर डुपर एक्साइटेड होते हैं आपको एंड आपके पूरे होल कास्ट को, पूरी फिल्म को लेकर शहजादा? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं दो बार ही देखी है फिल्म मैंने, और हर बार देखता हूँ मैं हैरान सा रह जाता हूँ, क्योंकि हमें कुछ परफॉर्म करते वक्त हंसी आती है तो यू नो ऑब्वियसली वी फील के ये मजाकिया है, लेकिन जब थिएटर में जाके लोगों की हंसी सुनते हो आपके कुछ परफॉर्मेंस यू नो पे या आपके कोई सीन पे, तो अलग तरह का मज़ा है। और ख़ासकर मेरे लिए, मैं पहले फिल्में ऑब्वियसली कर चुका हूँ, लेकिन पहली बार शहजादा एक ऐसी फिल्म है जो जिसपे मतलब बहुत ही मशहूर, बहुत ही वेटरन कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला है मुझे, तो ऐसे बड़े पर्दे पे मैं और परेश जी साथ में हैं, या मैं और राजपाल यादव जी साथ में हैं, या मैं या मनीषा जी, रोनित जी साथ में हैं, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस, जैसा कि आपने बताया कि हमने देखा कृति सैनन है, शहजादे हैं, हाँ जी, और एक शहजादा जो मुझसे बात कर रहा है, बहुत सारे बड़ी कास्ट है, कार्तिक आर्यन है, परेश रावल, कैसा रहा सभी के साथ का एक्सपीरियंस? आई थिंक यू नो हर एक फिल्म का अपना एक एनर्जी होता है, एक पल्स होता है, और वो पल्स वगैरह हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं वो हमेशा बनाते हैं, और रोहित जो है बहुत ही दिल के इतने साफ, इतने अच्छे और बहुत ही क्रिएटिव इंसान हैं, और उनका हमेशा ये रहा है कि सेट पे अगर किसी कलाकार, किसी एक्टर में के दिमाग में कोई भी आइडिया आया ना, तो वो कभी घबराते नहीं, वो कहते हैं हाँ बता आइडिया, और फिर उसका टेक लेते हैं। तो मेरे लिए तो मुझे तो बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करने में, खासकर हमारे डायरेक्टर साहब के साथ, क्योंकि जैसे एक सीन है जिसमें शहजादा में, जहाँ पर मुझे किसी को ना बोलना है, लेकिन मैं इतना नर्वस हूँ कि मैं ना नहीं बोल पा रहा हूँ, तो पूरा ऐसे थिंग शायद 3-4 मिनट का सीन है और कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन बार बार मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ जैसे मैं ना कहने जा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सीन्स में खासकर रोहित जी ने मुझे बहुत बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ के साथ, हमने टेक्स किए, बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती की हमने, और मुझे लगता है इस सेट पे बहुत ही मस्ती हुई है इसी के कारण, क्योंकि सब तैयार थे आइडिया लेके आने के लिए एंड खेलने के लिए, तो बहुत खेले हम ऑन सेट भी और ऑन स्क्रीन भी, ऑफ स्क्रीन भी, जैसे कार्तिक, मैं, कृति, हरियाणा के स्केड्यूल के बाद हमने जैसे पार्टी की, नाचे, हम सभी हंसमुख थे सेट पे, खासकर रोनित सर, रोनित जी इज अ वेरी हैप्पी पर्सन, ही इज ऑलवेज वेरी गुड टू बी अराउंड फॉर एग्जांपल। आपने अपना कोई आइडिया प्रेजेंट किया एंड लोगों को पसंद आया, या आपने अपना कोई इनपुट आउटपुट दिया एंड लोगों को बहुत पसंद आया? या ऐसे बहुत सारे, राज का कैरेक्टर ऐसा है कि ऐसे उसके बहुत सारे ऐसे सीन हैं जहाँ पर वो है और सिर्फ शायद सीन किसी और के बारे में हो, लेकिन वो आता है 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं सोचता हूँ कि मैं राज को कैसे यहाँ पर इस छोटे से मोमेंट में कैसे बना सकता हूँ। तो एक जैसे एक सीन है जहाँ पर सचिन खेड़ेकर जी और कार्तिक बात कर रहे हैं, और पीछे मैं VR ग्लासेस पहन के ऐसे दौड़ते हुए आ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो छोटा सा मोमेंट है, लेकिन मैंने सोचा इसको कुछ बनाते हैं, तो मैंने पूरी अपनी दिमाग में दुनिया बनाई जैसे मैं VR का कुछ खेल रहा हूँ, और पूरा क्रेजी ऐसा सब कुछ मस्ती की मैंने, और फाइनली जब जाके मैंने यू नो थिएटर में देखा, लोग हंसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना, जब तुम मेहनत करो फिर लोग तारीफ़ करते हैं या हंसते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हुआ। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ रहे हैं, खासकर मेरा एक बहुत बड़ा मोनोलॉग है सेकेंड हाफ में, जो बहुत ही ऐसा लगता है रोहित ने ऐसे सेटअप किया है, जैसे कि राज का कैरेक्टर बहुत ही गूफी इंसान है, वो बिगड़ा हुआ है और मतलब ओब्लिवियस है, उसको ग्राउंडेड नहीं है, तो ऐसे लगता है जैसे कॉमेडी का सीन शुरू हो रहा है, फिर बीच बीच में मैंने जिस तरह से उस मोनोलॉग को फिर सीरियस और ऑथेंटिक बनाया, ऐसे बनाया जैसे सच में एक लड़का अपने बाप को बोल रहा है कि भाई नहीं, आपके कारण मैं बिगड़ा हूँ आज, आपने कभी मुझे मौका नहीं दिया। आई थिंक लाइन ऐसा है कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहता था, मैं पायलट बनना चाहता था, लेकिन आपने कभी मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आपको मालूम था कि अगर मैं फेल हो गया तो आपकी नाक कट जाती,
ये एकदम से ये मजाकिया ढंग से हम कह सकते थे, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के थोड़ा सीरियस बनाने की कोशिश की. तो उस सीन का जो आर्क है, उस कैरेक्टर का जो आर्क है, एक तरह से बहुत ही सिली फन मस्ती से एकदम से सीरियस हो गया. तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ मैं लेके आया, फिर रोहित को भी पसंद आया. तो ऐसी बातचीत में, रिहर्सल में हमने कुछ बनाया राज के कैरेक्टर को. मुझे लगा कि लोगों को पसंद आ रहा है, खुश हूँ मैं उस बात से. बिल्कुल बिल्कुल. एंड मैंने नोटिस किया है कि डे बाय डे आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ही बढ़ती जा रही है. आप जो कुछ भी करते हैं लोगों को, आपके मुंह में घी शक्कर, लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है. तो बताइए कि ये कैसे देखते हैं आप, जब भी आपकी पॉपुलैरिटी है जो बढ़ती जा रही है, जो कुछ भी करते हैं लोग बहुत अप्रिसिएशन करते हैं, चाहे वो सीरीज की मैं बात करूं ना वो फिल्म की बात करूं. आप क्या कहेगा इंसान, मतलब हमारे करियर में जितने आप मशहूर बनते जाते हो उतने और अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपकी. और मेरे लिए तो मैं कलाकार इसलिए बनाऊँ क्योंकि मुझे अपनी कला पेश करनी है और उसके लिए मुझे रोल्स की अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है. तो जब ऑडियंसेस मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करती है या जो हमारे फैंस हैं वो तारीफ़ करते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. और वो होने के बाद जो कॉल्स आते हैं इंडस्ट्री से कि भाई अरे इस फिल्म में आपके लिए कुछ है या इस सीरीज़ में आपके लिए कुछ है, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है. मैं आई डोंट नो, खुशकिस्मत वाला हूँ कि आज तक जो काम मैंने किया है वो शोज़ या वो फिल्म्स काफ़ी पॉपुलर हुई हैं. सबके लिए, सबके साथ ऐसे नहीं होता है. कई बार क्या होता है कि एक्टर जान सब कुछ लगा देता है एक रोल के अंदर, फिर फिल्म या वो शो आता है और कोई देखता नहीं है या वो जो सही लोग नहीं देख पाते, तो फिर यू नो ऐसा लगता है कि वो मेहनत आपके करियर को आगे नहीं बढ़ा रही है. लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, बहुत ही खुशकिस्मत वाला हूँ. एंड मैंने नोटिस किया कि आपकी सीरीज भी बहुत ही हिट हुई है, जो सीजन 3 भी आने वाला है. अनदेखी, बहुत ही बेसब्री से इंतजार है अनदेखी सीजन 3. आई थिंक शूटिंग इज डन या कंप्लीट? नहीं, अभी बाकी है, अभी बाकी है. क्या कुछ ऐसा आप करते हैं जो लोग आपके दीवाने हो जाते हैं? सीजन 3 का इंतजार है, आई थिंक से ज्यादा 2 भी आएगी. भाई ये मुझे नहीं मालूम ज्यादा 2 आएगी कि नहीं आएगी. नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ. मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं है. अपने देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नए नए एक्टर आते हैं तो पूछते हैं कि भाई बताओ कोई एडवाइस दो. तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अपनी कला पे ध्यान दो. जितना आप बेहतर कलाकार बनोगे, अब जिम जाना, फ़ोटोज़ खिंचवाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं हमारी इंडस्ट्री में. लेकिन मैं, जैसे कहावत है ना इंग्लिश में, दैट्स द आइसिंग ऑन द केक कहावत है. मतलब पहले ये चीज़ें तो बाद में आती हैं. पहले एक अपनी कला में मजबूत हो, अपने कलाकार ऐसा बनो कि आप कोई आपको कोई सीन देता है तो आपको लगे कि भाई हाँ मेरी अपनी कोई आवाज़ है, मैं कुछ पेश करूँगा तो लोगों को लगे कि भाई हाँ इसमें कुछ बात है, क्या है इसमें. और ये मुझे नहीं लगता सिर्फ भगवान की देन है कि भाई मैं पैदा ही ऐसा कलाकार हूँ. नहीं, मैंने आपको अपनी पहली ऑडिशन दिखाऊँगा, मैंने आज तक सेव रखी है. और मैं कई बार देखता हूँ एक साल बाद, या जब मैं किसी चीज़ के ऊपर मैं सैड हूँ, या जो मैं सोचता हूँ कि यार क्यों ये रोल नहीं मिला मुझे, फिर वो ऑडिशन देखता हूँ, फिर याद दिलाता हूँ अपने आप को कि देख तूने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पे आ गया है. तो मेरी तो बस यही राय है, किसी को मतलब बहुत ही सक्सेसफुल बनना है तो कला पे ध्यान दे. और क्या कुछ नेक्स्ट आपका है पाइपलाइन में, क्या कुछ करने वाले? हाँ, एक दो फिल्में हैं जो आएंगी, उनके बारे में अफसोस मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आएंगी जरूर. जाते जाते ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप, जो आपको इतना सारा प्यार देते हैं, सजारे को प्यार दे रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, आपकी सीरीज को प्यार दे रहे हैं? कुछ बस यही कहूँगा कि हम अपनी वैनिटी वैन में हम स्क्रिप्ट के साथ बैठे रहते हैं, रिहर्सल करते रहते हैं कमरे में, 12-12, 14-14 घंटे हम शूट करते हैं. तो सोचते हैं कि भी शायद ऑडियंस को पसंद आए. तो जब फाइनली फिल्म ख़त्म होती है भूल जाते हैं हम. एक साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाते हैं, फिर फाइनली निकलता है और आप सबकी जब तारीफ़ मिलती है, वो दिल को छू जाती है बात. वो ऐसा लगता है कि उस मेहनत का कुछ हुआ. तो आपकी तारीफ़ आती तो हम इंकरेज हो जाते हैं, हमें लगता है कि भी ठीक है कुछ तो कर रहे हैं हम सही. तो ऐसे ही करते रहेंगे. So much. Thank you, Jeev. Good luck.